आज बारिश हो रही है, मजा आएगा। तो भैया आज है, आज नहीं मतलब अगले 3 दिन तक बारिश है। सीट बेल्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, तो मुझे बारिश नहीं पसंद। सर्दियों की, गर्मियों की बारिश तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर्दियों की बारिश मुझे नहीं पसंद। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है अभी 3-4 दिन बारिश होगी फुल लगातार, और फिर हवा निकलेगी और विंडी सीज़न। सर्दियों का विंडी सीज़न बड़ा ही अजीब सा होता है, इसलिए क्योंकि विंडी सीज़न में मुझे फिर कंबल वंबल सब ओढ़ के निकलना पड़ता है। भैया कहानी कुछ यूं है कि वो रहा मेरा जिम, एंड आई हैव पार्क्ड राइट अक्रॉस द जिम ताकि मैं बारिश में भीग ना जाऊं। तो वो मंजिल है और वहां तक हमें पहुंचना है, और बारिश हो रही है बहुत तेज। आज डोले बनाने हैं, बोले तो आर्म्स मतलब बाइसेप्स ट्राइसेप्स। तो वर्जिश हो गई है, नाउ कॉलेज पढ़ाई। रात को एक असाइनमेंट ड्यू है, प्रोफेसर ने पिछले हफ्ते दिया था लेकिन मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो आई हैव टू फिनिश दैट। और उसके लिए कॉलेज जाना है, वहाँ जाके सुकून से पढ़ना है। तो कॉलेज पहुंच गए, और कहानी कुछ यूं है कि एक मिनट, हाँ तो कहानी कुछ यूं है कि पार्किंग और लाइब्रेरी का फासला तकरीबन 10 मिनट का है, और बारिश हो रही है अभी तेज़। तो कैमरा मुझे जैकेट के अंदर रखना होगा और फिर वहां जाना होगा। तो कैमरे को रख देते हैं जैकेट के अंदर यूं। तो ये पूरा रूम हमने ले लिया है, 40-50 लाख रखे, ज़्यादा नहीं लगे सेठ साहब। वाओ, थोड़ा पढ़ने बैठेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले कमेंट्स पढ़ते हैं जो पिछली 2 वीडियोस में आए। तो गेमर 100 ही आस्क्ड, यार आपको शहजाद भाई से मिलकर कैसा लगा? आई थिंक शहजाद भाई वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। एक चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी शहजाद भाई की, आई डोंट लाइक इट वन पीपल क्लासीफाई मी एज यू नो द पर्सन हु हैज 45,000 सब्सक्राइबर्स, या वो बंदा जिसके पास 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी शहजाद भाई की। तो या वेरी नाइस एंड अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। सो नेक्स्ट बातिन रजा सेड, हाँ भाई ग्रेट व्लॉग्स ब्रो। हाँ भाई, प्लीज़ गिव अस सम टिप्स फॉर कंसिस्टेंसी एंड हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ बीइंग काइंड प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग काइंड प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए इट्स वेरी इजी। इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यू कैन गो चेक इट आउट, इट्स फेयरली इजी। यार बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कंसिस्टेंट रहने में, एक तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स,
टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहने में एंड यू हैव टू लव द प्रोसेस ऑफ व्हाट यू डू सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज यू हैव टू जेन्युइनली लाइक व्लॉगिंग एंड द होल प्रोसेस ऑफ व्लॉगिंग इन ऑर्डर टू बी कंसिस्टेंट एंड मेक मोर ऑफ देम तलहा व्लॉग्स क्या बात है लड़का इंग्लिश ठोक रहा है लव सेठ साहब यार तलहा दैट्स इज द वे आई टॉक आई मीन मेरा कोई इरादा नहीं होता कि अभी मैं इंग्लिश ही बोलूँगा या मैं इंग्लिश मैं बात करूँ तो बोलते हुए ये मतलब उर्दू इंग्लिश खिचड़ी बन के निकल आती है और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उर्दू बोलूँ क्योंकि ऑब्वियसली आई लव उर्दू बट थैंक यू सो मच तो यार कमेंट्स सारे पढ़ लिए और फिर एक बात बतानी थी कि मेरी एक जो घड़ी है ये मेरे कपड़ों के साथ साथ ये भी चली गई थी धुलने में तो इसकी अब ऐसी हालत हो गई है ये देखें लेकिन भैया शशके तो मारने हैं हमें तो काम चला रहे हैं अभी इससे टॉपिक तो मैंने पिक कर लिया लेकिन ऐसे लिखने से पहले मुझे एक स्टोरी बतानी थी इट हैपेंड लाइक बैक इन जुलाई अगस्त अगस्त में हुई थी ये तो एक ड्रामा आया था 2018 में सुनो चंदा और उसमें एक एक्ट्रेस थी इकरा अजीज आई वॉज अ बिग फैन ऑफ हर मैं इकरा अजीज को बहुत पहले से उनके ड्रामे देखता हुआ आ रहा था लेकिन ये वाहिद ऐसा ड्रामा था जो मैंने पूरा देखा था तो उस वक्त मैं इकरा अजीज को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता था तो आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम आई सर्च फॉर हर प्रोफाइल एंड आई फाउंड हर ऑफिशियल प्रोफाइल राइट तो मैंने वहाँ फॉलो किया इकरा अजीज को और एग्जैक्टली 10 मिनट बाद मुझे फॉलो बैक आया इकरा अजीज का हाँ एक मिनट पूरी कहानी बताता हूँ तो उस वक्त मेरे थे 499 फॉलोअर्स तो इकरा अजीज वॉज सपोज टू बी माई 500th फॉलोअर तो जब वो मुझे नोटिफिकेशन आई कि भाई इकरा अजीज यू नो फॉलोड यू तो मैं तो मतलब एक्साइटेड फर्स्ट ऑफ ऑल 500th फॉलोअर और मतलब व्लॉगर और मुझे लगा कि इकरा अजीज ने नोटिस कर लिया कि वो सेठ साहब यू नो अ व्लॉगर और मेरा मतलब एक मोमेंट बन गया भाई मोमेंट है भाई मोमेंट है तो एज एनी क्यूरियस पर्सन मैंने खोला इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाके देखा तो सारी पिक्चर्स जो इकरा अजीज की एक्चुअल प्रोफाइल में थी उस दिन अप टू डेट उसी प्रोफाइल में सारी पिक्चर्स अपडेटेड थी लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी उस प्रोफाइल के फॉलोअर्स पे तो इकरा अजीज के तो उस ज़माने में कुछ 8-9 लाख फॉलोअर्स थे लेकिन इस प्रोफाइल के 5,000 फॉलोअर्स थे 5-6,000 फॉलोअर्स थे और फिर मेरी जितनी भी एक्साइटमेंट थी सब मतलब टॉयलेट में फ्लश हो गई ये मैं पहले इंस्टाग्राम पर शेयर कर चुका हूँ बहुत पहले जब 499 फॉलोअर्स थे और इकरा अजीज वॉज सपोज टू बी द 500th फॉलोअर सपोज टू बी लेकिन बट आई थॉट आई शुड शेयर इट हियर एज वेल तो भैया मोहतात रहिए ऐसी फेक प्रोफाइल से जो आपकी फीलिंग्स के साथ खेलती हैं इधर दर्द नहीं नहीं लेफ्ट इधर अभी तक इधर दर्द होता है सैड लाइफ बाकी अगले व्लॉग में मुलाकात होती है खुदा हाफिज़ बट सरकारी स्कूल बैठी जाए एडमिशन दी जाए खाओ खाओ भैया डिओ से खाए खाओ अरे खाओ बाबा घर में नहीं खाए जाए घर ही खाए जाए शाबाश ठीक है मुझे मेहरबानी था वालेकुम हाँ भाई तो आज के बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का मैसेज ये है कि पैसे तो सभी कमाते हैं पर बात तो तब है जब गरीबों की दुआ कमाई जाए तो आजकल मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ सुनो चंदा राइट और उसमें एक एक्ट्रेस है इकरा अजीज तो भाई मैंने भी देखा और देखने के बाद मैं इंस्टाग्राम पे गया और इकरा अजीज को मैंने फॉलो किया इंस्टाग्राम पे राइट एंड देन राइट इन 2 मिनट्स 2 to 5 मिनट्स मुझे फॉलो आया वो भी इकरा अजीज से तो भाई मैं तो हो गया भाई खुश सो आई थॉट कि एक अच्छा मोमेंट है भाई मोमेंट है 500th फॉलोअर इकरा अजीज फॉलो बैक एंड यू नो एक एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी टू भाई फिर हर बंदे की तरह जब मुझे फॉलो आया तो मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया
और प्रोफाइल पे क्लिक किया तो सब चीज़ें सही निकल रही थी, वही पिक्चर्स इकरा अजीज़ की सारी चीज़, मतलब लाइन से जो पिक्चर्स थी, जो ओरिजिनल प्रोफाइल इकरा अजीज़ की होगी ना, सारी पिक्चर्स, वही पिक्चर्स सारी इस प्रोफाइल में भी थी। लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी फॉलोअर्स पे, इकरा अजीज़ के तो तकरीबन 8-9 पता नहीं कितने लाख फॉलोअर्स हैं। मैंने उसके फॉलोअर्स देखे, तो भाई मोहतात रहिए ऐसी प्रोफाइल से जो इस तरह के आपकी फीलिंग्स के साथ खेलती हैं भाई, मतलब तो गलत बात है ना यार।